गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्वालकुसी। हम लोग हूँ इस जगह पे, मतलब इस जगह का नाम क्या था? सारिकुता। एंड हमारा डेट थ्री है आज। हम यहाँ से जाएंगे आज काजो की तरफ, हम रवाना होंगे। सभी थोड़ा बहुत पैकिंग वेकिंग करना है हमें, इसके बाद निकलना है। तो पैकिंग वेकिंग कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। हाजो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर है। बस देख सकते हो पैकिंग वेकिंग हो गया है अभी फिलहाल। एंड ये देख सकते हो, साबुन तो ले लो भाई, अभी निकलते हैं ना, क्या बोलते हो? पैकिंग वेकिंग हो गया अभी। रोके रोके शेख दी, रोके रोके शेख मुख शेख नहीं दियो क्यों शेख दी दे सेक दे। तो सभी को अभी बाय बाय कहने का वो समय आ गया है। फिलहाल हम लोग अभी निकलने वाला हूँ, तो बाय अंकल जी। एंड आंटी बहुत ही अच्छा हमको खाना खिलाया रात को, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलते हैं गाइस यहाँ से। तो सुबह का समय है, बस निकल चुका हूँ अपनी यात्रा पे। तो ऐसा कुछ माहौल है फिलहाल यहाँ का। मेरा मोबाइल कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो आप लोगों को अच्छा से दिखाई नहीं देगा इसका दिन। नमस्कार सभी लोगों को, बोलो ब्रदर इधर आ जाओ। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने हमें बहुत ही अच्छे से मतलब प्यार किया, बहुत ही खाना बना खिलाया। तो बहुत ही मतलब अच्छा सा एक माहौल मिला हमें भी इधर क्वालकुसी में। बेस्ट एक्सपीरियंस बोलूँगा, मतलब कतई जहर वाला बोले तो इसके लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एकदम बड़े क्या बोलूँ, मेरे पास भाषा नहीं है। मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का, हम दोनों बिरादर और मैं आभारी हूँ आप लोगों का। और मैं आभारी हूँ, थैंक यू सो मच। फेस नहीं दिखाऊंगा लेकिन हाथ तो दिखा ही सकता हूँ। ओके ब्रो, फेस दिखा सकता हूँ। ओके ओके बाय बाय ब्रो। ओके बाय बाय बाय। ओके अच्छा लगा मिलके बहुत ही। तो गाइस फाइनली लिफ्ट मिल गया है हमें, फर्स्ट लिफ्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने लिफ्ट लिया था उधर। अभी गांव की रास्ते हम लोग अभी जा रहा हूँ फिलहाल। तो ऐसा कुछ सीन है, बस हम लोग आजो की तरफ अभी मतलब बढ़ रहा हूँ, मतलब रेस्ट करने के लिए हम थोड़ा बहुत जगह ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिला अभी। बात ऐसा है कि मतलब गांव एरिया है ये, आसाम का गांव देख सकती हो। ये रहा मेन रोड एंड अभी हम साइड में आ गया हूँ इधर। देखो भाई को, कुंजन भाई, गुरुजी 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 कैसा लग रहा है? गुरुजी है मेरा ये। तो गाइस हम पैदल आ रहा था एंड आते आते ऐसा कुछ व्यू देखने को मिला हमें, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड थोड़ा बहुत इधर रिलैक्स मतलब रेस्ट कर रहा हूँ हम लोग अभी। एंड इधर गुंजन भाई देख सकते हो, इधर बैठा है कुछ देख रहा है अभी मोबाइल पे। एंड ये व्यू देखो भाई, बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई ऐसा व्यू देखने को मिलता है। हम लोग इधर से आ रहा था, मतलब वॉक करके हम लोग अभी इधर जाएंगे। फाइनली हाजो पहुंच चुका हूँ हम लोग। एंड ये देख सकती हो, फिलहाल हमें जाना है इधर। एंड चलते हैं और देखते हैं। मुझे पहले मैं आ चुका हूँ इधर, तो ये मेरा सेकंड टाइम होगा एक्चुअली बोले तो। ये मेरा एक्चुअली सेकंड टाइम, और ग्रो नहीं आया एक बार भी। तो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ इधर। बैग रख दिया है हमने एंड अभी हमें शूज निकालना है एंड ऊपर जाएंगे और थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाएंगे। बस वही
अंदर इधर थोड़ा कासो मिलता है, मतलब दिखने को मिलता है, तो ये सब आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बने रहिए लास्ट तक। ये मेरा सेकंड टाइम है, आप लोगों को जैसे पता है एंट्रेंस है, मतलब इधर से जाना पड़ता है, मतलब ये गेट है तो इधर से जाना पड़ेगा हमें। एंड जो मतलब इधर दर्शन के लिए आता है तो इधर फूल जो मतलब वो होता है ना जो पूजा के लिए, वो सब इधर मिलता है, तो वही। एंड ये एंट्रेंस है, फिलहाल हम प्रवेश करते हुए इधर। तो गाइस मंदिर पहुंच चुका हूँ हम लोग, गुरुजी और मैं कृष्ण। तो बस अभी इसका हिस्टोरी, जो मंदिर का जो हिस्टोरी है, जो पहले वाला मैं पहले तो आ ही चुका हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है, मैं थर्ड बार बोल दिया सेकंड टाइम बोल के। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा तो आप लोग चेक कर लेना, बस थोड़ा बहुत इधर का सिनेमेटिक व्यू आप लोग इन्जॉय करना। एंड बस वही, कुछ बोलना चाहोगे? बोलो, कुछ बोलो। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और अभी फिलहाल हम है आपका नॉर्थ ईस्ट का एक आर्कोलॉजिकल साइट में, हाजो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। बाकी इसका हिस्ट्री तो बहुत लंबा है, लेकिन ये आपका टेंपल 10th सेंचुरी में बनाया गया था। बहुत सारे फैक्ट है लेकिन वो ज़्यादा गहरा नहीं जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वही वही राम 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 राम। जो भक्त है उसका भीड़ देख सकते हो, बहुत सारे लोग। चीर दूंगा। सॉरी, गुस्सा हो गया ये। सॉरी ब्रो। गरीब माधव विजिट करने के बाद हम लोग मतलब पुआ मुखा चला गया था। एंड मैं मतलब क्या ही बोले यार, मेरा दिमाग और मेरा सोच मतलब मैं भूल गया, मतलब क्लिप लेना ही, मतलब बोलना कि हम लोग पुआ मुखा जा रहे, ऐसे बोलना मतलब भूल ही गया। तो फिलहाल मुझे अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, फिलहाल मैं एडिट कर रहा हूँ इस वीडियो को, इधर बैठ के देख सकते हो। एंड अभी मुझे ये वीडियो बना के बोलना पड़ रहा है, तो इन्जॉय करो। तो गाइस फाइनली थोड़ा बहुत ऊपर आ गया हम लोग, एंड बहुत थक गया हूँ। एंड यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, लुक एट दैट गाइस, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। एंड बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं फिलहाल। एंड भाई इधर देख सकते हो, कतई मतलब थक गया है, तो मैं भी थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ, इसके बाद थोड़ा बहुत पार्क जाएंगे हम लोग। मतलब स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट ही है, देख सकते हो सभी लोग स्टूडेंट है। मुरीगाव जाए आसो, आमी माने आमी ऑल वीडियो बनाय आसो, ब्लॉग बनाय आसो। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। अभी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया है हमारा, होई नहीं, शॉर्टकट रास्ता है जाए आसो, आमी वर्तमान शॉर्टकट ले रहा हूँ हम लोग। गाइस ये और ही ज्यादा डेंजरस है। ओ भाई चलो, हिंडा वाला एक्सपीरियंस मिल गया आज, हाजो में आके। जी कैसा लग रहा है गुरुजी? मेरा तो और एनर्जी नहीं है वीडियो बनाने में, यार कहाँ से बनाऊँ पता ही नहीं, एनर्जी खत्म हो गया। फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग अभी पहुंचा हूँ जो ने कि हमारा डिस्टिनेशन था पुआ मुखा। एंड अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा, अभी फिलहाल जाते हैं एंड देखते हैं क्या मतलब कैसा है। मतलब बचपन से सुन के आ रहा था, एक बार भी नहीं आया मैं, अभी फर्स्ट टाइम है मेरा, तो देखते हैं कैसा
है यहाँ का। एंट्री करते ही आपको ऐसे बहुत सारा शॉप देखने को मिल जाएगा। चलो ऐसा कुछ का माहौल है, देख सकते हो। मैं बैग इधर रख देता हूँ। यह है पुआ मुक्का का सराउंडिंग। इसी की गाइस देख सकते हो, मैं पहुँच चुका हूँ अभी पुआ मुक्का। एंड उधर गुंजी गुरुजी इधर क्या कर रहे हैं पता नहीं, अकेले अकेले। एंड अभी चलते हैं अंदर। आई डोंट नो क्या करना पड़ता है इधर, वैसे ये सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है फिलहाल। एंड चलो देखते हैं ब्रो क्या करे, पूछते उसको, पूछते उसको क्या सीन हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ अभी बोलो क्या करना। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ओके, मैं हम जहाँ जितना भी जगह गया फिलहाल तो कंफ्यूज ही लग रहा है, मतलब इतना नॉलेज नहीं है सब के बारे में, बिकॉज इसलिए हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का वो सीन हो गया, मतलब क्या ही बोले। अभी फिलहाल देखते हैं, बहुत थक भी गया हूँ। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब स्कूल का जो स्टूडेंट है, मतलब यहाँ पे आए हुए हैं। एंड पहले भी जब मैं हमार रहा था तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आया था, मतलब इतना, मतलब लोग बहुत आते हैं इधर। देख सकते हो सराउंडिंग ऐसा कुछ है यहाँ का। इधर शॉप मिल जाएगा आप लोगों को। 17th century में बनाया गया था पुआ मुक्का। और क्या है कि मैंने भी इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोला वीडियो में। वही भाई भी लाइक सिंपल नॉलेजेबल, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे। और पुआ मीन्स आपका क्वार्टर, 250 ग्राम होता है पुआ मीन्स हमारे लोकल लैंग्वेज में। बाकी वही बस। तो गाइस अभी इधर से हम आया हूँ, अभी कुछ व्यू पॉइंट दिखाने आप लोगों को, कुछ मतलब व्यू पॉइंट दिखाने आया हूँ आप लोगों को। तो गाइस रेडी हो जाओ। तो गाइस तो वही था व्यू। अभी बस पता नहीं कौन क्या करेंगे हम लोग, बस ट्रेन के लिए अभी जगह ढूंढना होगा हमें। एंड बस वही ट्रेन के लिए जगह ढूंढना होगा, और कुछ नहीं खाया, मैगी बनाना पड़ेगा, मैगी खाना पड़ेगा, बस वही। बस मुझे तो तलाश है ट्रेन का, मतलब जगह का, जहाँ कि हम ट्रेन लगाएंगे। बस इधर भी बहुत ही अच्छा ही व्यू पॉइंट है, लेकिन थोड़ा बहुत रिक्स भी हो सकता है, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं तो उससे थोड़ा बहुत बातचीत करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। कुछ है गुरु जी, कैसा लगा व्यू पॉइंट? तो गाइस अभी टाइम हो गया है लगभग कितना, 5:13। तो लगभग अभी अंधेरा हो गया है। एंड अभी हमने ट्रेन लगा लिया, इधर देख सकते हो, इधर अच्छे से कल सुबह दिखाएंगे अच्छे से। इधर देख सकते हो आप लोग ट्रेन लगा लिया। एंड इधर गुरुजी ने भी लगा लिया इधर, देख सकते हो। एंड अभी इधर थोड़ा बहुत हमारा इधर मैगी चल रहा है, बना रहा हूँ फिलहाल। एंड अभी लोकेशन बता दो, लोकेशन मतलब पौवा मुक्का के पास में ही, मतलब इधर क्या बोलते हैं उसको, कल सुबह हम आप लोगों को आराम से दिखा देंगे। इतना ही, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।